हरिओम दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आपण फेवरेट चैनल ओ मोटिवेट को आपण मान को पुणि थरे स्वागत। फ्रेंड्स, आहार विहार रे असंजमता कारण ही व्यक्ति कब्ज बा कष्टकाठिन्यर शिकार होइथाए एवं कब्ज बा कष्टकाठिन्य जगु ही सारा दुनिया रे रोग सृष्टि होइथाए। अर्थात सबु रोगर मूल कारण हेउची कष्टकाठिन्य। एहा हेबा द्वारा ही परिसरा रे एवं शौच जीवा बळे धातु शक्ति बाहरी जाइथाए एवं पाइल्स मध्ये होइथाए। जदि आपण आहार विहार रे संजमता रक्षा करंती तेबे कोनोसी रोग बेमार हुए नाही। किंतु फ्रेंड्स, एमती कौन रोग ना जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपशम करपे। प्राकृतिक चिकित्सा समस्त वरदान स्वरूप। तेणु संयमपूर्वक प्रथम कष्टकाठिन्य दूर करूँ, तापर आपण सहजरे निजर वीर शक्तिर रक्षा करेंगे। आपण समस्या आपण सहजरे दूर करें। फ्रेंड्स, चलतु टॉपिक स्टार्ट करवा एंड जाणने यही प्रथम प्रयोग विषय। राति रे कोनोसी पात्र रे एक लिटर पानी रखि नियंतु एवं यही पानी को सूर्योदय पूर्वरु बासी मुहरे पी नियंतु। प्रत्येक दिन एपरी अभ्यास कले कब्ज बा कष्टकाठिन्यरु मुक्ति मिलिथाए तथा अन्य रोगरु मध्ये सुरक्षा मिलिथाए। द्वितीय प्रयोग, राति रे पानी सहित 2-5 ग्राम त्रिफला चूर्ण सेवन करंतु, एहा द्वारा मध्य कष्टकाठिन्य दूर होइथाए। तृतीय प्रयोग, प्रतिदिन गोटे हरिडा खाइले कष्टकाठिन्य दूर होइथाए किंबा 1-5 ग्राम हरिडा चूर्ण को गरम पानी सहित सेवन करिबा द्वारा मध्य कष्टकाठिन्य दूर होइथाए। जहार माँ नाही हरिडा हेउची तहार माँ। माता केबे केबे क्रोध करिथांती किंतु हरिडा पेट भितर को गला परे केबे कुप्रभाव पकाइ नथाए। चतुर्थ प्रयोग, गोटे ग्लास साधा पानी रे गोटे लेंबूर रस एवं 2-3 चमच महु मिसाई पियंतु, एहा द्वारा कब्ज दूर होइथाए। तो फ्रेंड्स, वीर शक्तिर संयम एवं धातु रोगरु रक्षा पाइबा को हेले प्रथमे कष्टकाठिन्य को दूर करंतु। आजिर वीडियो एठी समाप्त करुछि। वीडियो भल लागिथिले वीडियो टू लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे अवश्य कमेंट करंतु। नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन पाइबा पई ओ मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु, पाखर स्थ बेल आइकन को मते दबाई दियंतु, जहाँ फल आपण माने नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन सहजरे पाइ परिबे। धन्यवाद दर्शक बंधु, हरिओम।